मैं YouTube चैनल मोनिकास कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप मेरे द्वारा बनाई गई इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आज हम बनाने वाले हैं पिज्जा। पिज्जा एक इटालियन फूड है, यह देश विदेशों में बहुत पसंद किया जाता है। हमारे भारत में भी इसे बहुत पसंद किया जाता है, खासकर बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। चलिए अपना पिज्जा बनाना शुरू करते हैं। दो बड़े प्याज बारीक कटे हुए, दो टमाटर बारीक कटे हुए मीडियम साइज के, एक शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 200 ग्राम पनीर कद्दूकस किया हुआ, बॉइल्ड कॉर्न 200 ग्राम, रेड चिली 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार, मेयोनेज, बटर, चाट मसाला स्वाद अनुसार, पिज्जा सॉस, चीज स्लाइस ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो सॉस, मीडियम साइज के दो पिज्जा बेस। यह मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपको इनको भी घर में बनाना है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं अपनी अगली वीडियो में आपको इसकी रेसिपी ज़रूर बताऊंगी। पिज्जा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे, अपना पैन रखेंगे, अगर आपके पास कढ़ाई है तो आप कढ़ाई भी रख सकते हैं। मैंने पैन रखा है, पैन थोड़ा गर्म होगा। मैंने 50 ग्राम बटर लिया है, आप देसी घी भी ले सकते हैं। गैस हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, बटर हमारा जब तक पूरा मेल्ट ना हो जाए। बटर हमारा मेल्ट हो रहा है, हम अपना ऑनियन बारीक कटा हुआ ऑनियन डालेंगे, इसे 1 से 2 मिनट तक इसे भूनना है। देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और हमारी प्याज भून चुकी है, हमारी प्याज का रंग बदल चुका है। अब हम डालेंगे अपने टमाटो को, हमें बड़ी कर देते हैं। टमाटो को हम इसी तरह पकाएंगे, पकाते हुए 1 मिनट हो चुका है, देखिए हमारा टमाटो भून चुका है। मैंने इसे ढका नहीं है, ऐसे ही चलाते हुए भूना है। अब हम अपनी शिमला मिर्च डालेंगे बारीक कटी हुई। शिमला मिर्च थोड़ी हार्ड होती है, इसलिए हम इसे ढक के पकाएंगे। अब इसे हम ढक देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं ढक्कन हटा के हमारी शिमला मिर्च देखिए भून चुकी है। इसमें हम अपना कद्दू कस के हुआ पनीर डालेंगे। मिलाते रहिए, पनीर को हमें अच्छी तरह मिलाना है। पनीर हमारा मिल चुका है, ये बहुत हेल्दी पिज्जा बनेगा। हमारा पनीर देखो मिल चुका है। अब हम इसमें अपने मसाले डालते हैं, नमक 1 टीस्पून, रेड चिली 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 1/4 टीस्पून। अब हम अपने मसालों को मिलाएंगे, 30 सेकंड तक हमें इसे अच्छी तरह मिलाना है कि हमारा मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब हमारा मसाला मिक्स है, अब हम इसमें अपने उबले हुए कॉर्न डालेंगे, अपने मसाले को 30 सेकंड तक इसे मिलाना है। कौन भी हमारे मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें अपना चाट मसाला मिलाएंगे, चाट मसाला आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। गैस हमने लो फ्लेम पे कर रखी है। अब मसाला रेडी है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। चलिए अब हम अपने पिज्जा बेस को रेडी करते हैं। आमतौर पर पिज्जा को हम इलेक्ट्रिक तंदूर, ओवन या माइक्रोवेव में बेक करते हैं, पर आज हम पिज्जा को तवे पर बनाना बताएंगे। चलिए हम अपनी गैस ऑन करते हैं, इसमें हम अपना बटर डालेंगे, आप देसी घी भी ले सकते हैं। अब इसे आप तवे को पूरा ग्रीस कर लेंगे। तवा हमारा ग्रीस हो चुका है, अब हम अपना बेस लेंगे, चाकू से थोड़े थोड़े छोटे छोटे छेद कर देंगे जिससे हमारा बेस
अच्छी तरह सिक जाए। जहां से हमने इसमें चाकू से छेद किए हैं वहां इसमें हम बटर लगाएंगे, देसी घी भी लगा सकते हैं। इतने हमारा पैन गर्म हो चुका है, अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे जिससे हमारा बेस सिक जाए। देखते हैं हमारा बेस अब हो चुका होगा। हमारा बेस अब सिक चुका है, अब हम इसे साइड में रखते हैं। अब हम इसे तैयार करें, चलिए पिज्जा बेस की टॉपिंग करते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे मेयोनीज। पिज्जा के बेस में हमारी मेयोनीज लग चुकी है, अब लगाएंगे हम पिज्जा सॉस। पिज्जा सॉस लग चुकी है हमारी, मसाला बनाया है ये लगाएंगे। हमें अपना पूरा पिज्जा कवर करना है। हमारा मसाला लग चुका है, अब हम इसे बेक करेंगे। चलिए गैस ऑन करते हैं, इसमें थोड़ा सा मक्खन डालेंगे। अब हम अपने पिज्जा बेस को पैन में रखेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए हम रखेंगे और इसे ढक देंगे। अब हम इसमें डालेंगे चीज। चीज ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। अब इसे ढक देंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, चलिए अपने पिज्जा को चेक करते हैं। पिज्जा हमारा बहुत अच्छा सिक चुका है। चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं, पैन में से निकाल के अपने प्लेट में। अब हम इसमें अपने चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डालने हैं। चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालने हैं। टमाटो केचप, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। लीजिए हमारा पिज्जा तैयार है, मैं इसे एंजॉय करती हूँ अपनी फैमिली के साथ। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अब एक न्यू रेसिपी वीडियो के साथ। थैंक यू।